धर्म का पथ साधारण पथ नहीं। पर क्या है, लोग बिना तपे, बिना कष्ट उठाए, बिना परिष्कार करें, बिना साधना करें, बिना अपने व्यक्तित्व को बदले, बिना अपनी सोच को बदले भगवान को पाना चाहते हैं। हींग लगे ना फिटकर ही रंग भी चोखा है, करना हमें कुछ नहीं पड़े और भगवान मुफ्त में मिल जाए। अब यदि हम मुफ्त में भगवान चाहते हैं तो मुफ्त में भगवान देने वाले मिल जाते हैं, ये बताने मिल जाने वाले मिल जाते हैं कि साहब आप कुछ मत करो, आप तो पाप करो बैठ के आराम से, सिर्फ ऐसा करना कि हफ्ते में एक बार जा करके घंटी बजा देना आपका काम हो जाएगा। आप पाप करो, साल भर पाप करो, और आप क्या करना कि इस बार में बस पानी यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देना, और जब डाल रहे होगे उस समय में भी आप बीड़ी पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, शराब पीते रहना, जो बुराई करनी है वो करते रहना, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, सिर्फ आप कथा करा लो आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, आप बदले में कवच पहन लो, ताबीज पहन लो, ये मंदिर बनवा दो, आपका काम हो जाएगा। भगवान करने कराने से कहाँ मिलते हैं, भगवान बनने और बनाने से मिलते हैं। अच्छा इंसान बनने से और सच्चा इंसान बनाने से भगवान मिलते हैं। जितना हमारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ है दोस्तों, मैं आपसे बातें कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जीवन में कहीं काम आ जाए, कि हमारे धर्मशास्त्रों का जो निचोड़ है, और जितने भी महापुरुष इस धरती पर जी करके गए, कहीं पर भी जी करके गए, उनके जीवन चरित्र का जो सार है वो एक ही है, जो तुलसीदास जी लिख करके गए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समझ माई। दूसरे को कष्ट देने से बढ़कर के अधर्म नहीं है, और दूसरे को सुखी करने से बढ़कर के धर्म नहीं है। ये जो धर्म की कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा है वो लोगों ने अपने मन को भटकाने के लिए बना ली है, नहीं तो धर्म की सच्ची परिभाषा तो बच्चा भी जानता है कि दूसरे को कष्ट नहीं देना है, पाप है, और दूसरा यदि गलत कर रहा है तो उसको बता देना है, पाप। ये चीज़ क्या है, छोटा बच्चा भी जानता है। यदि आप गायत्री परिवार का उद्देश्य पढ़ें और गुरुदेव ने जो उद्देश्य बताया तो ये बताया पीड़ा और पतन का निवारण, गायत्री परिवार का उद्देश्य। कोई दुखी है उसके दुख को हम दूर कर दें, कोई रास्ता भटक गया है उसको सही मार्ग पर ले आए, तो इससे बढ़कर के धर्म हो सकता है क्या? मानवता का पोषण जिससे मिलता उससे बढ़कर के धर्म हो सकता है क्या? इससे बढ़कर के मेरी दृष्टि में तो धर्म नहीं हो सकता।